बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी मामा, क्या कर रहे हो? पोनियों के साथ खेलने लगे। किसके साथ? पोनियों के साथ। पोनियों के साथ? पोनिये कहाँ डालती हैं? हाँ, कहाँ डालते हो? अच्छा, पुनिये कहाँ डालते हैं? ये देखो, ऐसे गूंथते। ठीक है, चलो। अच्छा, ये पोनी किस चीज़ की बनी हुई है? ये देखो, पिंक हुई है। हाँ, ये किसकी बनी हुई है? पोनियाँ होती हैं बांधने के लिए। देखो, मेरी भी पोनी बनी हुई है। और पोनी क्यों बनाई हुई है? इसलिए बनाई हुई है। हाँ, फिर मेरे पास जहाँ आते हैं फिर सी नहीं बनी जाती। फिर क्या नहीं बनी जाती? सीर। अच्छा, और ये किसकी बनी होती है? ये किस चीज़ की बनी होती है? ये अभी बनी होती है। अभी बनी होती है? हाँ। किससे बनती है? अभी अभी बनाई है आपने? बनाई है। हाँ। किस चीज़ से बनाई है? ये साइंस से बनी पोनिया। किससे बनी है? साइंस से। साइंस से? किसने बताया आपको साइंस से बनी है? एक मिनट। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये क्या है? ये देखो, जहाज। ये पकड़े, कैसे उड़ता है ये? कभी देखा आपने? कहाँ? जंगल में। जंगल में? हाँ। जंगल किसे कहते हैं? जंगल में शेर रहते हैं। जंगल में शेर रहते हैं? हाँ, और मंकी। मंकी? मंकी मरी में रहते हैं। मंकी मरी में रहते हैं? हाँ। और ये जहाज कहाँ होता है? जहाज अपने घर। अपने घर? हाँ। इसका घर कहाँ है? इसका घर दूर, ये देखो। दूर कहाँ? इसको देखो ना बेटा, इसको इसको जहाज का पे मुझे बताना पहले। अच्छा, कहाँ कहाँ इसका घर है? दूर। दूर कहाँ? दूर। चलो, ये बाद में डालना ना, पहले जहाज की बारे में बताओ। कोई बात नहीं, गिर गई। अब ये बताओ, जहाज कहाँ रहता है? दूर क्या होता है? दूर। दूर क्या होता है? ऊपर दो एलसीडी लगी है, बोर्ड। जहाँ पंखा लगा होता है ना, वहाँ रहता है। अच्छा, जहाँ पंखा लगा हुआ है वो दूर होता है? हाँ। अच्छा, आपके घर है पंखा? हाँ, है। कितने हैं पंखे? बस एक ही और ऐसी है। एक पंखा और एक एसी। एसी, अच्छा। तो एसी किससे चलता है? है? एसी इससे चलता है? हाँ। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? एसी। मेरे घर पर एसी लगा है। एसी। एसी। नहीं, एसी किससे चलता है? ये अपने आप चल पड़ता है। ये किससे चलता है? ये किससे चलता है? ऐसे चलता है। अच्छा, और ये किससे चलता है? अच्छा, ये क्या है? नाखून काटने वाला। कैसे काटते हैं नाखून? नाखून किधर है आपके? मेरी मम्मी ने काट दिए थे। काट दिए थे? मैं बताती हूँ कैसे खूनने से। शाबाश। ऐसे खुलता है? चलो, ठीक है, ठीक। इसे नाखून काटते हैं कैसे करके? नाखून काटने चाहिए? हाँ, शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहे हो? ठीक है, ये दिखाओ, दिखाओ। और ये क्या है? बीसी ताला। क्या है? बीसी ताला। ताला किस लिए लगाते हैं हम? कहाँ लगाते हैं ताला? ताला कहाँ लगाते हैं? ताला? हाँ, ताला। मैं ताटिंग का ताला। इधर ही बैठ, इधर ही बैठ के बेटा। हाँ, ताला कहाँ लगाते हैं? हाँ, पहले इसमें तोल भर रहे हैं। पहले इसमें क्या भर रहे हो? तोल। पेट्रोल? हाँ। पेट्रोल किसमें भरते हैं? जो गाड़ी नहीं होती ना, तो की। हाँ। उसके बगैर।
होती है चाबा। अच्छा चाबी, ये देखो चाबी। चाबी के साथ खुलता है ये, वैसे नहीं खुलता। कहाँ लगाते हैं हम ताला, कहाँ लगाते हैं ताला? ताला ना वहाँ ऊपर टंगेगा, वो देखो लैक पे। और नहीं लगाते कहाँ पे ये ताला? चाबी के सामने। चाबी फिर रूम में रख देते हैं। चाबी फिर रूम में रख देते हैं? हाँ। अच्छा क्यों रखते हैं रूम में? इसलिए रखते हैं, बाहर नहीं रखनी चाहिए पौधों पे। पौधों पे नहीं रखनी चाहिए? क्यों? इसलिए नहीं रखनी चाहिए, अंदर ही रखनी चाहिए, बाहर बारिश फिर आती है। फिर बाहर बारिश आ जाती है चाबी बाहर रखो तो? बारिश कहाँ से आती है? ऊपर से। ऊपर से कहाँ से? ऊपर से आती है। आपकी चोट ना लग जाए, इधर रख दो। नहीं लगेगी। ऊपर से कहाँ से आती है बारिश? ऊपर से आती है जी। कहाँ जाती है फिर? नीचे जाती है। नीचे कहाँ? पानी आता नीचे से। फिर कहाँ चला जाता है पानी? गली में। गली में? हाँ गली में। गली में। अच्छा आपको बारिश अच्छी लगती है? और क्या क्या अच्छा लगता है? स्कूल में भी बारिश आई थी एक दिन। अच्छा हाँ। आपके घर आती है? आती है। मेरे घर तो पता नहीं आती है कि नहीं आती, हर जगह आती है कि सिर्फ आपके घर आती है? पानी तो जंगल का होता है। जंगल का होता है पानी? हाँ। जंगल क्या होता है, मुझे तो जंगल का पता ही नहीं है। जंगल में शेर रहते हैं। अच्छा और? और रहते हैं शेर। और ये हम कहाँ रहते हैं? आप इस घर में। हमारे घर में शेर रहता है? ना। शेर कहाँ रहता है? अपने घर में। उसका घर कहाँ है? दूर। दूर कहाँ? उसका घर कहाँ है? हाँ मामा। हाँ। उसका घर कहाँ है? दूर से क्या होता है, दूर किसे कहते हैं? ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है। हाँ। ये दूर है। मैं बताती हूँ। अच्छा ये दूर है, हैं? ये दूर है। हाथ से बताओ कितना, किसे कहते हैं दूर, हाथ से बताओ मायमा। अच्छा चलो ये क्या है? मैं बताती हूँ। क्या है ये? देखो उसके लिए रोली। ये क्या है? क्या है? शाबाश हैं? बैटरी है। बैटरी है? ये किससे चलती है? बैटरी चलती है। किससे चलती है ये? क्यों जलाते हैं हम, क्यों जलाते हैं ये? देखो जब लाइट जाती है ना तो फिर जाते हैं। जब लाइट जाती है? लाइट कहाँ चली जाती है? पोनियों के सामने। पोनियों के सामने चली जाती है? हाँ, कहाँ पे? वैसे। हाँ वैसे चली जाती है लाइट। वैसे ही चली जाती है फिर आ जाती है? हाँ। कहाँ से आती है? पंखे में से। पंखे में से आती है? अच्छा पंखा लाइट से चलता है? हाँ। और को क्या क्या चीजें लाइट से चलती हैं? एसी। हाँ। और पंखा। शाबाश। और एप्पल। क्या? एप्पल बाना चलता है। एप्पल? हाँ। एप्पल क्या? एप्पल ये चलता है, बाना ये चलता है, और खाना चाहिए बच्चों का बाना। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बात कर रही हो कि जिसमें खाना बनता है। वो भी बिजली से चलता है? हाँ। अच्छा अच्छा और क्या क्या बिजली से चलता है? और चलता है जहाज। जहाज भी बिजली से चलता है? हाँ। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है शाबाश जी। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि जब हम ये कहते हैं कि बच्चों के पास किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती और बच्चा जो है वो खाली स्लेट की मानंद है जिसके ऊपर कोई भी टीचर या वालदैन जो हैं किसी किस्म की मालूमात जो हैं वो लिख सकते हैं या उसके दिमाग के अंदर वो मालूमात दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि मैंने ये एक्टिविटी मायमा बच्ची के साथ की है, बहुत छोटी बच्ची है, अभी बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रही,
लेकिन आपने इस एक्टिविटी के ज़रिए ये देखा होगा कि हर कॉन्सेप्ट के बारे में उमाइमा को थोड़ी बहुत मालूमात हैं। अगर जो इसकी मालूमात जो है वो वाज़े तौर पे जो है वो लॉजिकली दुरुस्त नहीं है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट के बारे में इसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मालूमात हैं। और ये मालूमात इसने अपने माहौल को मुशाहिदा करके और इसके साथ साथ अपने बड़ों के साथ गुफ्तगू करके या उनके तजर्बात के साथ सीखी है। तो व्यूअर्स, अगर हम ये बच्चों के बारे में कहें कि बच्चे जो हैं वो मालूमात नहीं रखते, तो ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चे जो हैं वो हर कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन ये हमारा पेरेंट्स का और इसके साथ साथ टीचर्स का काम है कि वो बच्चों की मालूमात को कैसे बिल्डअप करें और इनको बिल्कुल लॉजिकली दुरुस्त बनाएं। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आपकी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ ज़रूर करेंगे। एक तो आपको अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चे जो हैं हर कॉन्सेप्ट के बारे में मालूमात रखते हैं और आपने किस तरह उन मालूमात को बिल्डअप करना है। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।